हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बीस्टीएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल जो सिविल सर्विसेज 2023 के दोस्तों फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें से आदित्य श्रीवास्तव जी ने दोस्तों टॉप किया है। और दोस्तों कल मैंने उनके बारे में, उनका जो भी परिचय है, कहाँ से है, दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि वो सिलेक्टेड IPS है। 226 रैंक उनको दोस्तों आई थी पिछली बार। दोस्तों कल मैं जो वीडियो बना रहा था दोस्तों, वो वीडियो थोड़ा अधूरी रह गई थी, तो आज दोस्तों जो वीडियो को पूरा करते हैं। जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों रैंक अगर आपका अच्छा आता है फिर दोस्तों आपको होम कैडर नहीं मिलता है, उसमें इनसाइडर आउटसाइडर का दोस्तों मैंने कंसेप्ट बताया था। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दोस्तों अपने अगर IAS IPS IRS जो भी दोस्तों आपको तैयारी कर रहे हैं UPSC का तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों आपको होम कैडर चाहिए, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपको उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों ज़िंदगी भर आपको जॉब करना है जो IAS और IPS, तो दोस्तों जो है आपको रैंक मेरिट के अलावा दोस्तों लक फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप भले ही दोस्तों IAS टॉप कर जाइए, एक रैंक ला दीजिए, दो रैंक ला दीजिए, तीन रैंक ला दीजिए, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपका इनसाइडर आउटसाइडर, आपका स्टेट में इनसाइडर का सीट जीरो है, अगर किसी भी कैटेगरी में दोस्तों, जैसे आप जनरल में हैं और दोस्तों उस साल जो है इनसाइडर का जो वैकेंसी जीरो है, तो दोस्तों आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा, चाहे दोस्तों UPSC में आपका ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों ना हो। दोस्तों इस सारे टेक्निकल मुद्दे पर दोस्तों आपको बताऊंगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों UPSC का, और दोस्तों आप एज ए IAS IPS जो है अपने स्टेट में सर्विस देना चाहते हैं, तो दोस्तों जो है आप ये जो है आपको और मेहनत तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों उसमें आपको लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है। दोस्तों इस वीडियो में चलिए आप बात करते हैं। दोस्तों अगर मेरा चैनल है, दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों जो है सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकॉन है दोस्तों उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुँचे। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों जैसे बताया था 236 रैंक, सॉरी दोस्तों मैंने 226 बोल दिया गलती से। दोस्तों देखिए पिछले बार देखिए इनका 236 रैंक है, जो आदित्य श्रीवास्तव जी इस बार के टॉपर हैं। दोस्तों इनको IPS मिला था वेस्ट बंगाल क्वार्टर इनको अलॉट हुआ था। दोस्तों वो जो आपको लिस्ट है ऑफिशियल जो आपको गृह मंत्रालय ने दोस्तों जारी किया, उसको भी दिखाएंगे कि दोस्तों ये है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के, लेकिन इनको वेस्ट बंगाल क्वार्टर। दोस्तों अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर इनका IAS में नहीं होता, अगर मान लीजिए IPS ही रह जाते, तो दोस्तों ये जो है अपना ज़िंदगी भर आप कह सकते हैं कि जितना भी इनका सर्विस ड्यूरेशन है आपको वेस्ट बंगाल में एज IPS ऑफिसर को काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों देखिए ये और इनका ऑल इंडिया रैंक इस बार 1 आ गया है 2023 एग्जाम में। अब दोस्तों इनका है अगर इनका भाग दोस्तों जनरल उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा स्टेट है, तो इनसाइडर का अच्छा खासा दोस्तों रहता है वैकेंसी, तो इनका जो ज़्यादा दोस्त चांस है। पिछले बार भी जो आपको पता है कि इशिता जो टॉप की थी, ऐसे वैसे तो दोस्तों मूल रूप से बिहार की थी, लेकिन उनका एड्रेस दोस्तों नोएडा का था, तो उनको UP कैडर मिल गया है। और दोस्तों जो दूसरा गरिमा लोहिया थी, उनको दोस्तों चूंकि बिहार की है, तो वो भी OBC कैटेगरी में आती है, तो उनको दोस्तों बिहार कैडर मिल गया है। और दोस्तों वहीं जो हिंदी माध्यम की जो टॉपर थी दोस्तों मूल रूप से उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन दोस्तों उनको वहाँ चूँकि खाली नहीं था, जो दोस्तों कह सकते हैं कि चूँकि आपको पता है जो सीट रहता है, तो उनको जो है बिहार कैडर अलॉटमेंट हुआ था, जो कि दोस्तों मूल रूप से UP की है। तो दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इनके बारे में बताया था कि ये लखनऊ के हैं। ये हैं आपको दोस्तों आदित्य श्रीवास्तव, इनका जो पिछले बार 236 रैंक आया था, इस बार लेकिन दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखाता हूँ मैं, 236 रैंक पिछले बार का है ये, इनका जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सीरियल नंबर 220 रैंक जो 236 आदित्य श्रीवास्तव जनरल, और दोस्तों इनको जो है पिछला साल IPS अलॉट हुआ है। और दोस्तों देखिए इनका कैडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों ये देखिए, हाँ दोस्तों यही मैं बता रहा था कि ये जो है आपको ऑल इंडिया रैंक जो पिछले साल का 2022 का है दोस्तों, इशिता किशोर, ये इनको देखिए IAS अलॉट हुआ है, और दोस्तों इनको UP कैडर मिला है। वही दोस्तों जो दो रैंक है गरिमा लोहिया दोस्तों, ये OBC है, इनको IAS भी, इनको भी दोस्तों IU मिला है दोस्तों, ये बिहार की है और इनको बिहार कैडर मिला है। वही दोस्तों जो इसमें दोस्तों लिस्ट में नाम नहीं है, हिंदी माध्यम की जो टॉपर थी उनको तो दोस्तों UP की है, लेकिन उनको UP में नहीं मिला, और दोस्तों उनको बिहार कैडर मिला है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मैं 236 रैंक आपको दिखा रहा था, इस बार के जो टॉपर आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, आप देख सकते हैं 236 यहाँ पर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए 236 रैंक है यहाँ पर, देखिए ये आदित्य श्रीवास्तव जनरल कैटेगरी दोस्तों इनका है, उत्तर प्रदेश इनका होम स्टेट है, और दोस्तों इनको देखिए वेस्ट बंगाल मिला है, आप देख सकते हैं। दोस्तों सारा चीज़ डिपेंड करता है कि वह रैंक कितना है, और दोस्तों इनसाइडर आउटसाइडर जो है उसमें से कितना सीट खाली है। तो देखिए इनको वेस्ट बंगाल कैडर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वेस्ट बंगाल कैडर दोस्तों ये जो है गृह मंत्रालय का जो दोस्तों वेबसाइट है उस पर ये ऑफिशियल लेटर है और लोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जो वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता है कि जो IAS का दोस्तों कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है वो है आपका DOPT, और IPS का है दोस्तों गृह मंत्रालय।
तो दोस्तों गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर जो है आईपीएस का जो है कट ऑफ लोकेशन है, तो 236 रैंक किनको आया था पिछले साल 2022 में, तो अदित श्रीवास्तव जी का, और उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों, लेकिन इनको देखिए कहाँ मिला है, वेस्ट बंगाल क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर भाई दोस्तों जो मूल लेटर है यहाँ पर, ये जो आपको 87 रैंक से पिछले बार जो है आपको आईपीएस मिलना शुरू हो गया था, आयन जैन दिल्ली के हैं दोस्तों, देखिए इनका रैंक अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये दिल्ली में देखिए जो आप पता है कि अगुबुट कैडर में आता है, तो देखिए इनको एमपी कैडर मिला। उसी प्रकार देख सकते हैं कि बहुत लोगों को दोस्तों मिलता भी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है दोस्तों वैभव प्रिया दोस्तों, देखिए बिहार की है लेकिन इनको दोस्तों एमपी कैडर मिला है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोनाली मिश्रा दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, देखिए इनको दोस्तों उत्तर प्रदेश से मिल गया। तो सारा चीज़ दोस्तों डिपेंड करता है इनसाइडर आउटसाइडर, जो कि दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। दोस्तों ये देख लीजिए ये जो रिजल्ट जो है कल आई है, इसमें दोस्तों जो है इनको 236 रैंक से सीधे जो है आपको ऑल इंडिया रैंक वन बन गया आदित्य श्रीवास्तव जी। अब दोस्तों जो है इनका सर्विस एलोकेशन जो है इनके बारे में जो इनसाइडर आउटसाइडर जो दोस्तों फॉर्मूला है वो सब जो आएगी कुछ दिनों में डीओपीटी के वेबसाइट पर दोस्तों अपलोड हो जाएगी। जब दोस्तों अपलोड होगी मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जनरल का जो दोस्तों तमाम जो कैटेगरियाँ हैं जो ओबीसी डब्ल्यूएस कितना सीट है दोस्तों इनके बारे में, देखिए अब मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों चांस मिल जाएगा यूपी कैडर। अब दोस्तों यही जो मैं आपको बहुत बता रहा था इनसाइडर आउटसाइडर दोस्तों यही है लेटर, ये दोस्तों 2023 का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का दोस्तों जो आईएएस का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डीओपीटी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैडर एलोकेशन 2022 का है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस्तों वैकेंसी, देखिए आपको आईपीएस का भी दोस्तों इसी तरह आता है कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आईएएस का दोस्तों कितना है किस राज्य में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए अगमुट है, अगमुट में देखिए टोटल वैकेंसीज लिखा है दोस्तों 15, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगमुट में टोटल वैकेंसी है 15, जिसमें दोस्तों आई मतलब इनसाइडर ओ मतलब आउटसाइडर, चार दोस्तों जो है आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि इनसाइडर का है और 11 जो आईएएस ऑफिसर दोस्तों बाहर अन्य राज्यों का आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अलग अलग कैटेगरी का देखिए लिखा हुआ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको जनरल का है, उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस दोस्तों आपको जब कैडर दोस्तों एलोकेशन होता है तो आपको ईडब्ल्यूएस का स्पेशल फायदा नहीं मिलता है, उसमें आपको अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को दोस्तों एक माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कैडर एलोकेशन होता है तो उसमें आपको ईडब्ल्यूएस का विशेष आपको फायदा नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर ओबीसी का है, यहाँ पर एससी का है, यहाँ पर एसटी का है, तो उसी प्रकार दोस्तों जिसे आप एक बिहार का देखिए यहाँ पर बिहार में दोस्तों टोटल जो है जो 2023 में जो 2022 का दोस्तों जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसके आधार पर जो 2022 टोटल 11 सीट था, जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर बिहार में जो दोस्तों आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट भेजती है कितना डिमांड है, तो चार दोस्तों आपको आउटसाइडर था देख सकते हैं बिहार में, और चार इनसाइडर था सॉरी, और सात आउटसाइडर था, जिसमें आपको अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें दोस्तों इसके बाद जिसमें आपको ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं बिहार का बात हम लोग करते हैं जो चार नंबर पर सीरियल नंबर चार पर है, जिसमें आपको देखिए अनरिजर्व में छः दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्या है टोटल, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आप इनसाइडर के जस्ट सामने देखिए जीरो, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है दोस्तों 2022 का ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया है और वो जनरल कैंडिडेट है वो बिहार का है, तो दोस्तों उसका जो है आप